Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, students. How are you? Hopefully you all are fine. Hope आप सभी अच्छे होंगे. चलिए, आज का बड़ा ही important topic है, बहुत ही ज़्यादा important topic है सभी competitive exams के लिए, चाहे वो bank के aspirants हैं, वो चाहे वो SSC के aspirants हो, है ना? IBPS PO, IBPS clerk, SBI PO clerk, CGL, CHSL सब के लिए, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एडवर्ब और एडजेक्टिव जो एलवाई से लगे हुए होते हैं, जिनका सफिक्स एलवाई होता है, उनको आइडेंटिफाई करना कि क्या एडजेक्टिव है और क्या एडवर्ब है, पहली चीज. सेकंड थिंग, एडवर्ब इंग्लिश का राजा है वो. अब आप सोचोगे मैम एडवर्ब को इंग्लिश का राजा कह रही है, वो कैसे, मतलब इंग्लिश का राजा एडवर्ब? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने. यस, इंग्लिश जो एडवर्ब जो होता है वो इंग्लिश का राजा और किंग ही होता है. एडवर्ब इज अ किंग ऑफ इंग्लिश. वो कैसे? एडवर्ब की आपने डेफिनेशन आज तक ये सुनी होगी कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है ना. सब इसके सेशन से पहले आपको एडजेक्टिव का सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको एडवर्ब क्लियर होगा और जब ही आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस समझ में आएगा, है ना. सो काइंडली गो थ्रू द प्रीवियस सेशन ऑफ द एडजेक्टिव ऑल्सो. एडवर्ब इज अ किंग. व्हाई आई सेड दैट एडवर्ब इज अ किंग? एडवर्ब एक किंग होता है जो इंग्लिश का राजा होता है, जो हर पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है. जी हाँ, आपने सुना होगा एडवर्ब केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है. नहीं, एडवर्ब सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है. सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, इन सबको क्वालिफाई करता है. कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है. बिल्कुल सही सुना आपने. राजा कौन होता है? अब आप सोचोगे एडवर्ब और राजा में क्या मेल है. मैं बिल्कुल बता देती हूँ. जो राजा होता है ना, वो अपनी सारी प्रजा, जितनी प्रजा बैठी होती है उसकी, है ना, सब बंदों को, सब पर्सन्स की अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बताता है. वो गलती की होती है तो पनिशमेंट देता है, अच्छाई की तो प्रेज देता है. इसी तरह से खुद ने भी उसने गलती की होती है तो वो रिग्रेट फील करता है, पनिश करता है खुद को ही, तभी तो अच्छा पर्सन और अच्छा राजा माना जाता है. इसी तरह से एडवर्ब है. एडवर्ब खुद की भी गलतियाँ बताएगा, खुद को भी क्वालिफाई करेगा और सबको क्वालिफाई करेगा. मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ. एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन एंड वर्ब इन सबको क्वालिफाई करता है, सबको, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच. नेक्स्ट या अपकमिंग सेशन में, इसे जस्ट नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कैसे कैसे थ्रू दी सेंटेंसेस कैसे कैसे एडवर्ब सबको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी. इस सेशन में वी विल स्टडी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एडजेक्टिव एंड दी एडवर्ब. द वर्ड विच एंड्स विद एलवाई, जो सफिक्स एलवाई से एंड होता है, उनमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगी, है ना. चलिए, सबसे पहले हम एक रूल लिखते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, द रूल इज नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव. इस रूल को लिख लीजिएगा, 50% ये रूल काम में आता है. नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल्स टू एडवर्ब. नाउन के साथ जब एलवाई जुड़ता है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई जुड़ता है तो एडवर्ब. 50% ये डेफिनेशन आती है, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, डेफिनेशन आती है. अच्छा, एक चीज़ और है, होम एडवर्ब है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. होम एडवर्ब कैसे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. और प्लीज़ इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए. चलिए, नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब. अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं. फ्रेंड, फ्रेंड इज अ नाउन, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन प्लस एलवाई, क्या बन गया? फ्रेंडली. फ्रेंडली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. कहते हैं ना फ्रेंडली रिलेशन, रिलेशन इज अ नाउन एंड फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड प्लस एलवाई क्या बन गया? फ्रेंडली. फ्रेंड क्या हो गया? एडजेक्टिव. रिलेशन इज नाउन, तो फ्रेंडली रिलेशन. फ्रेंड एडजेक्टिव नहीं है, फ्रेंड नाउन है, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल. केयरफुल, ये स्टूडेंट्स
In the adjective session, I have told you the words which ends with full is an adjective. Adjective session में मैंने आपको बताया था जो भी word full से end होते हैं, suffix full से end होते हैं, वो adjective होते हैं. ये तो रटने वाली बात हो गई. अब हम concept से समझते हैं. मैं बोलूँ you are a careful person, है ना? तो person is a noun, careful is an adjective because careful is a word which is telling your quality, है ना? होंगे वैसे आप केयरफुल पर्सन, है ना? तो केयरफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आपकी क्वालिटी बता रहा है, आपको क्वालिफाई कर रहा है. तो केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव. मैं एलवाई जोड़ देती हूँ, क्या बन जाएगा? केयरफुली. एंड केयरफुली इज एन एडवर्ब. अच्छा, एक चीज़ और, एक मिस्टेक मत कर दीजिएगा, है ना? वो क्या कि एक नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव बन गया, उसमें एक और एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा. ऐसा नहीं होता. जो एलवाई एडजेक्टिव बन चुका वो कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकता, है ना? इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एन एडवर्ब अगेन. जो वर्ड एलवाई से एंड हो गया, द वर्ड विच एंड्स विद एलवाई इज एन एडजेक्टिव, वो कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकता है. दैट वर्ड कैन नॉट बी और नेवर बी फॉर्म्ड एज एन एडवर्ब. जो वर्ड एलवाई से एंड हो गया और वो एडजेक्टिव है, वो कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकता. अगर उसमें डबल एलवाई लगा के आप एडवर्ब बना दो, ऐसा मत करना, है ना? तो केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव. एलवाई क्या लग गया? सफिक्स लग गया, क्या बन गया? केयरफुल. एंड केयरफुल इज एन एडवर्ब. नेक्स्ट देखते हैं. केयरलेस. केयरलेस भी क्या है? केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है. क्या जुड़ गया? एलवाई. क्या बन गया? केयरलेसली. एंड इट इज एन एडवर्ब. समझ आ रहा है? होप यू गेटिंग द पॉइंट. वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं. ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव. क्या जुड़ गया? एलवाई. क्या बन गया? ब्यूटिफुली. जरूरी नहीं है कि सभी वर्ड्स का एडवर्ब एलवाई मिलकर ही बने. बहुत सारे एडवर्ब बिना एलवाई के भी होते हैं. जैसे हो गया आपका सून, है ना, एडवर्ब है. हो गया होम, एडवर्ब है. तो ये भी एडवर्ब है. जरूरी नहीं कि हर एडवर्ब में एलवाई लगेगा. मैंने बताया था 50% वो रूल अप्लाई होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका टाइम. व्हाट इज टाइम? टाइम इज अ नाउन. क्या जुड़ गया? एलवाई. क्या बन गया? टाइमली. टाइमली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई एक वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का भी रोल प्ले कर सकता है. अ वर्ड कैन प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब. मैंने आपको बताया था एक इंग्लिश का वर्ड बहुत सारे रोल प्ले करता है एज वी प्ले द रोल, डिफरेंट रोल्स इन आवर लाइफ, है ना? तो जैसे हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, एक इंग्लिश का वर्ड भी अलग अलग रोल प्ले करता है. तो एक वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी तो फिलहाल ये देखते हैं. टाइम नाउन हो गया, एलवाई क्या बन गया? एडजेक्टिव, दैट इज टाइमली. फाइनेंशियल. फाइनेंशियल कहते हैं ना, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? नाउन. नाम रख सकते हैं. फाइनेंशियल क्या हो गया? एडजेक्टिव. एलवाई जोड़ देते हैं, क्या बन गया? फाइनेंशियली. फाइनेंशियली इज एन एडवर्ब. फाइनेंस इज एन एडजेक्टिव, है ना? कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज अ नाउन. नाउन से पहले एडजेक्टिव. क्या बन गया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम. फाइनेंशियली क्या हो जाएगा? एडवर्ब, है ना? समझ आ रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं. बस आपने ब्रेक करना है वर्ड्स को. कोई भी वर्ड हो उसको ब्रेक कर लो. देख लो, पहला वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब होगा, पहला वर्ड नाउन है तो वो पूरा वर्ड एडजेक्टिव होगा, है ना? बस वर्ड को ब्रेक कर लो. जैसे फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल प्लस एलवाई, तो फाइनेंशियल क्या? एडजेक्टिव. एलवाई बन गया तो एडवर्ब बन गया. बस यू हैव टू जस्ट ब्रेक द वर्ड. नेक्स्ट इज माइजरली. किससे मिलकर बना है? माइजर प्लस एलवाई. अब यू पीपल विल थिंक कि माइजर होता है कंजूस, और कंजूस किसी की क्वालिटी बता रहा है. सॉरी, इंग्लिश में ना थोड़े से एक्सेप्शनल है. ये एक्सेप्शनल केस है. कहते दुनिया में बहुत सारे एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केस है. एक्चुअली माइजर ना नाउन होता है. बिल्कुल सही सुना आपने, माइजर क्या होता है? नाउन. ये एक्सेप्शनल केस है, प्लीज लिख लीजिएगा. माइजर इज अ नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव. माइजर इज अ नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव. तो माइजर क्या हो जाएगा? नाउन. क्या जुड़ गया? एलवाई. क्या बन गया? माइजरली. एंड माइजरली इज एन एडजेक्टिव. ये एरर आ चुकी है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. एक्सेप्शनल केस है. एक दो इसके एक्सेप्शनल केस है, वो मैं करवा दूंगी. माइजरली इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट पे चले. डे.
प्लस एल वाई डेली, अरे डेली मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, वाई को हटा के आई लगा देती हूँ, तो हमने पढ़ा भी है पहले, डे इज अ नाउन, एल वाई क्या बन गया एडजेक्टिव। अच्छा डेली एडवर्ब भी है, डेली एडजेक्टिव भी है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी दैट हाउ डेली इज एन एडजेक्टिव एंड हाउ डेली इज एन एडवर्ब। डेली दोनों चीजें हैं, डेली एडजेक्टिव भी है, डेली एडवर्ब भी है, है ना। मैं आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ पे एडजेक्टिव है कहाँ पे एडवर्ब है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्मार्ट। स्मार्ट क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ, एडजेक्टिव क्या जुड़ गया एलवाई, क्या बन गया स्मार्टली, क्या हो जाएगा एडवर्ब। कमेंट्स में अपने कमेंट देते रहा करो कि स्मार्ट एडजेक्टिव है एडवर्ब है, जब भी मैं वर्ड आपसे पूछा करूं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कप फुल, एडजेक्टिव फुल वाले एडजेक्टिव होते हैं, एलवाई कप फुली एडवर्ब। सो अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हाउ टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट विच वर्ड इज एडजेक्टिव एंड विच वर्ड इज एडवर्ब। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई इशू आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी इशू ऑफ योर गाइज। मैं एक एक इशू सॉल्व कर दूंगी आपका, एक एक एरर सॉल्व कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बस। हम टेलीग्राम चैनल भी बहुत जल्दी क्रिएट कर लेंगे, डोंट यू वरी, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है, इसकी एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लीजिएगा, तीसरी बार देख लीजिएगा, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, इससे अच्छा कंसेप्ट आपको एडवर्ब का कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एडवर्ब कैसे राजा है, वो जरूर देखेगा, वो जरूर सुनेगा। थैंक यू सो मच, होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।